गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग भाई? अभी खेत में ही जा रहे थे, खाना वगैरह खा लिया। आज थोड़ा सा लेट जा रहे थे तो बादल देखो भाई, और सुबह सुबह थोड़ी सी बारिश भी हो गई। चलो जाते हैं खेत में, देखते हैं क्या हाल होता है आज दिन भर। तो बने रहेगा इस व्लॉग में, मज़ा आएगा। वैसे एक बात तो अच्छी हो गई कि हमने कांदा पूरा जमा करके रख दिया था, क्योंकि कल रात से धीमे धीमे पानी चालू हो गया था और आज भी बहुत सारे बादल आ चुके। तो उतना कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी अभी उस वहाँ से कांदा उठाना पड़ेगा, अगर बारिश आती है तो खोपड़ी में लाकर काटना पड़ेगा, देखते क्या होता है पॉसिबल। तो दोस्तों आ गए हम कांदा काटने के लिए। पानी तो अभी चला गया, ये देखो यहाँ पर इतना पानी जमा हो गया, ये देखो। तो ऐसा तो लगता नहीं कि अब आएगा, तो धीरे धीरे से काटना चालू कर देते। चलो तो भाई ये गन्स खोला था हमने, ये हमारी झोपड़ी, और इतना कांदा काट लिया हमने। और भाई दूसरे साइड से और बादल आ गए, पता नहीं आज का क्या माहौल है। तो काटते भाई जितना हो सके उतना काटते। ये गन्स पहले ख़त्म कर लेते फिर इसको खोलते, इसको अभी हमने खोला ही नहीं। तो चलो काटते बड़ा बड़ा। दोस्तों बीच में बारिश शुरू हो गई थी तो ये हमने फट्टा झाक दिया था यहाँ पर, और खाना खाकर भी आ गए हम। तो अभी करते हैं चालू, और बारिश चली गई यार। अच्छा वही तो काटते भाई बड़ाबड़। चलो अब अपना गज थोड़ा सा ही रह गया, इतना है, नहीं देखो इतना है। तो काटते भाई बड़ाबड़ और करते ख़त्म इसको, क्योंकि बारिश का मौसम, मतलब बहुत सारे बादल आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे, बेकार मौसम है आज का। चलो बड़ा वाला गंज तो हमने पूरा काट लिया यहाँ पर, और पूरा माल यहाँ पर डाल के पूरा झाक दिया हमने, देखो। क्योंकि भाई बादल चारों तरफ से आ गए और हवा भी बहुत चल रही है, तो पूरा झाक झुक लिया हमने। ज़्यादा नहीं काटा होगा भाई, आज 5-6-7 ही कट्टे काटे होंगे। तो अभी बैलों वगैरह छोड़ते, उनको बांधते और फिर निकलते घर के, ज़्यादा काम नहीं हुआ आज। चलो कोई नहीं, कल कर लेंगे। और हाँ कल का बाजार था भाई, कट्टे भी नहीं भरे, क्योंकि ये माल सोमवार को जाएगा। हमने दे दिए जगह से ये माल डायरेक्ट, अब दलाल की कोई झंझट नहीं दाबने की वाबने की। डायरेक्ट यहाँ पर गाड़ी आएगी, माल मुझेगी और पैसे देगी, ये भी बढ़िया हो गया। लेकिन ये लास्ट में मिला हमको यहाँ पर, चलो कोई नहीं मिला तो। तो चलो बैलों को लेकर जाते हैं भाई, ये देखो यहाँ पर मस्ती करते हैं दोनों बैल, लेकर चलते हैं इनको और बांधते वहाँ पर। चलो ये देखो कैसे मस्ती करते हैं। दोस्तों घर जाते जाते सोचा कि इस खेत में आ जाते, क्योंकि यहाँ पर हमने पानी डाल, मतलब कल रात को पानी बोलना टाल दिया था ना कि बारिश आ जाएगी तो चलो हो जाएगा बोलना। तो ये देखो कांदा ही यहाँ का, बारिश तो नहीं है, ठेम ठेम है, उतनी तो बारिश नहीं है। और भाई ये देखो रूही और कातर रहे झाड़, कितना खाएंगे भाई रुई, इनका तो कुछ समझ नहीं आता। और ये देखो भाई कांदा यहाँ पर दिन के लाइन में बोला था पानी, ये देखो गीला है ना, यहाँ पर दिन के लाइन में बोला था, कल रात को ही आने वाले थे बोलने के लिए, लेकिन बारिश की वजह से नहीं हो पाया। हमें लगा कि आ जाएगी भाई बारिश, इसलिए नहीं बोला पानी। तो देख लेते अभी कांदा कैसा है क्या है, तो इसका हाल, कांदे का सूरत हाल। ये देखो ऐसा एक कांदा बढ़ रहा है अभी कांदा, ये देखो पता नहीं आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी रात ही होने वाली है, पूरा दिन चला गया आज का कांदे में। भाई एक बात बता दूं मैं आपको, वो कांदा 13 या 14 फरवरी से स्टार्ट किया था, ब्लॉग पड़ा होगा आप देख लेना। तो भाई एक महीना हो गया उस कांदे को, मतलब ख़त्म ही होने को आया है, एक महीना, ऐसा सोचो एक महीना एक हफ्ता ज़्यादा हो गया। तो भाई वो तो 1 ही एकड़ में था ये कांदा, 3.5 एकड़ में कांदा है भाई। ये देखो वहाँ से, पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं, वहाँ से वहाँ तक, वो पीला है ना वहाँ तक, और पीले के बाद भी कांदा है, इतना सारा कांदा है भाई, इसको तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो ये देखो यहाँ का कांदा ठीक ठाक बढ़ रहा है अभी,
और फुहरा भी भाई जम के दिया था फुहरा हमने, ये देखो यहाँ का। ऐसे भाई सभी कांधे खोलना था बनी, लेकिन हो ही नहीं पाया। ठीक है ना कांधा, ये देखो पास से देखा तो ऐसा बढ़ रहा है। और ये है हमारा गेहूं, ये देखो इतनी उम्बी हो चुकी, साधारण साधारण उम्बी हो गई, एकदम ऐसी बड़ी उम्बी नहीं हो गई इसकी, बहुत ही साधारण उम्बी है भाई। कांदा अब विचार आ रहा है कि अगर बारिश आएगी तो गेहूं का नुकसान, नहीं आएगी तो कांदे का नुकसान, क्योंकि हमने पानी नहीं बोला। और आज तो धूप नहीं थी, लेकिन कल अगर वैसे चार तीन चार दिन तो बारिश बता रही है, लेकिन कल अगर बारिश नहीं हुई, आज का लास्ट दिन है लाइन का, और बादल भी देखो बहुत है काले काले चारों तरफ, तो आज तो जाहिर सी बात है आज नहीं बोलेंगे पानी आज भी। तो अगर बारिश नहीं आई तो भाई दिन की लाइन में पूरा कांदा बोलने को होगा पूरा, और ये कांदा इतना बड़ा है ना पॉसिबल ही नहीं बोलना इतना, क्योंकि ज़मीन ऐसी फक गई है। अब देखो यहाँ पर ओला तो यहाँ की नरम ज़मीन है, आपको आगे की दिखाता हूँ ज़मीन जहाँ पर पानी नहीं ओला वहाँ की, चलो वहाँ की ज़मीन ऐसी भेगा पड़ चुका है ज़मीन में, समझ रहे हो ना आप। हिंदी में पता नहीं भाई भेगा को क्या बोलते, अगर आपको बताओ तो बताना, अब जस्ट दिखाता हूँ आपको। चलो ये हम आइए गए, अब भाई किसी को कांदा चाहिए होगा तो बल्क क्वांटिटी में तो हमें बिल्कुल कांटेक्ट करिएगा, एक ट्रक दो ट्रक पूरा कांदा भर के दे देंगे भाई आपको, इतना कांदा है हमारे पास। तो ये देखो ऐसे होते भेगा, देखिए दिख रहा है कि आपको, ये देखो ऐसे ज़मीन में पूरा भेगा पड़ते हैं, ये देखो। तो फिर ये देखो तो फिर उस भेगा में पानी जाता है और बहुत टाइम लगता है पानी मोलने के लिए, इसलिए भेगा नहीं पड़ना चाहिए भाई, लेकिन धूप की वजह से तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये देखो पानी की वजह से कैसा हो रहा है अभी ऐसा होता है भाई ताल, ये देखो ऐसी भेग होती है पानी, पानी अगर नहीं बोला तो ऐसा है भाई ताल फिर कांदे का। चलो अब निकलते घर के लिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। ये देखो भाई यहाँ का कांदा देखो, ये देखो यहाँ क्या भेगा, ये देखो यहाँ पर पूरा पानी नहीं आया भाई, पूरा ताली ताली यहाँ के कांदे का देखो, छोटा 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 कांदा है पूरा, कुछ पानी नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं, ये देखो ऐसा ताल है भाई। देखते हैं अगर आज पॉसिबल होता है तो आ जाएंगे पानी ओलने के लिए, देखते इसका, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो कांदा छोटा ही रह जाएगा फिर ऐसा। ये देखो पूरी लाइन ही है ऐसी, ये देखो इतना वहाँ तक लाइन है ऐसी। तो चलो निकलते घर के लिए।